अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम बनाना बताऊंगी। जो ये जो गोरे चिट्टे हाथ आप मेरे देख रहे हैं, इसी का राज आपको मैं आज बताऊंगी। और एक बात और, जो लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो रातों रात गोरे चिट्टे हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लें वो थोड़ा टाइम लेती है। तो ये जो क्रीम मैं आपको बनाना आज बता रही हूँ, ये आपको रातों रात तो गोरा नहीं करेगी, लेकिन आपको 3 दिन में इसका रिज़ल्ट दे देगी। और अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा ये क्रीम आपने अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आपके फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, वरना आपका फेस ख़राब हो सकता है। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्रीम हमने किस तरह से बनानी है। यहाँ पे आपको एक सिंपल कंटेनर चाहिए जिसमें आप इजीली क्रीम बना सकें। मैंने यहाँ निविया की भी ली है, जो मेरे पास क्रीम थी ख़त्म हो गई और मैंने इसको वॉश करके रख लिया, तो इसी को मैं यूज़ करूँगी क्रीम बनाने के लिए। यहाँ पर मुझे एक बेटनोविट क्रीम चाहिए। ये आपको पता ही है स्पॉट्स और पिम्पल्स के लिए कितनी अच्छी होती है, तो ये मुझे मिली है जी। अब इसको मैं ओपन करूंगी और इसकी क्रीम निकाल लूंगी। ये इस तरह से ट्यूब में होती है और ये देखें बिल्कुल न्यू है। और इसका जो कैप है उसकी बैक साइड पे पिन सी एक बनी होती है, नोकदार पिन होती है, उसके साथ अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी इस तरह। चलें जी, ये ओपन होगी, अब हम इजीली इसकी क्रीम निकाल सकते हैं। ये क्रीम मैं जिस तरह से आपको बनाना बता रही हूँ, इसी तरह से आपने बनानी है, और कुछ भी इसमें मिस ना करें, क्योंकि फिर एंड पे मैं बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ ऐड करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा और आपको 3 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्लोबेट क्रीम है मेरे पास, जो कि मुझे 78 रुपीज़ में मिली है। इसको भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी और मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि ये क्रीम सिर्फ आपके हैंड्स और फुट के लिए, आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। बाद में आपकी स्किन ख़राब होगी और आप मुझे कमेंट कर रहे होंगे जी आपकी क्रीम की वजह से हमारी स्किन ख़राब हुई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ हाथों और पाँव के लिए है। चलें जी, ये भी हमने अच्छे से निकाल ली है। अब हम यूज़ करेंगे डर्मोट क्रीम। और जी, इसके प्राइस हैं 81 रुपीज़ में ये मुझे मिली है। इसको भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम इसको अच्छे से करेंगे। और आपने ये फोक के साथ इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा मिक्स होता है, स्पून के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो ये एक एक लेयर को बहुत अच्छे से मिक्स करता है। और ये इसको बिल्कुल इतना मिक्स करना कि ये यकजा हो जाए और आपकी सब क्रीम्स एक लिक्विड शेप में आ जाएँ। अच्छा, यहाँ अब मैं एक और ऐड करने वाली हूँ और वो है ग्लिसरीन।
पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चलें जिसको अभी अच्छे से क्रीम मिक्स नहीं हुई, अभी मैं ग्लिसरीन डालकर इसको मिक्स करूँगी। अच्छा जी, ग्लिसरीन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए। मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि, क्योंकि इससे हैंड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे। चलें जी, अब हमने ग्लिसरीन ऐड की है तो इसको आप इतने अच्छे से मिक्स करें और कम से कम 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। ताकि जितनी क्रीम्स हमने इसमें ऐड की हैं वो मिक्स हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं और जब हम लगाएं तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। अभी पे मैंने वाइटनिंग कैप्सूल लिए हैं, ये आपको स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। ये मुझे 10 रुपीज़ में एक मिले तो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। 550 रुपीज़ में मैंने ये मुझे वाइटनिंग कैप्सूल मिले हैं। यहाँ पे मैं एक पिन यूज़ कर रही हूँ इनको ओपन करने के लिए। इस तरह से आपने एक पिन को कैप्सूल पे यूज़ किया है और इस क्रीम से निकाल ली है। ये वाइटनिंग कैप्सूल में जो क्रीम होती है आपके स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करती है, और लेकिन ज़्यादा यूज़ ना करें, जितनी मिकदार मैं बता रही हूँ इतनी ही आपने यूज़ करनी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आप ऐसे ही गाओगे, ऐसे ही यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज़ या कम बोलते हो तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। चलें जी, ये हमने 5 वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हमने उसी तरह से अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि ये सारी क्रीम्स एक से जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये जो आपको अलग से ऊपर नज़र आ रही है लेयर की कैप्सूल है, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये थी जी आज की वाइटनिंग क्रीम, और ये आपको दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। और आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, आपने सिर्फ इसको रात को लगाना है। अपने हाथों को पाँव को वैसे नहीं लगानी ये क्रीम, पहले आपने अपने हाथों को पाँव को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद इसको क्रीम को लगा लेना है। क्रीम को लगा के आपने हाथों पर मलना है, मसाज नहीं करना, सिर्फ हाथों पर हल्का सा मल के और पाँव पर लगा कर पाँव पर सॉक्स पहननी है आपने, और फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पाँव पे लगा के सॉक्स पहन लेनी है, हाथों पे लगाना है, मसाज नहीं करना, सिर्फ क्रीम इतनी मतलब मर्ज कर लें बस अपने हाथों में, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको मेरी अच्छी उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई, अल्लाह हाफिज़।